नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 अगस्त शुक्रवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुलाम अली साहब के मायकाशो पर एक प्रसिद्ध गजल है जिसके बोल है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। कुछ ऐसा ही अंदाज शुक्रवार की दोपहर मक्सी रोड पर भारत पेट्रोल पंप के सामने नजर आया। एक महिला ने इतनी शराब पी ली कि उसे होश ही नहीं रहा। पहले तो वह चीखती चिल्लाती रही, फिर गश खाकर सड़क पर ही गिर गई। पुलिस को भी सूचना दी गई लेकिन पुलिस ने मौके पर आना गवारा नहीं किया। ऐसे में यातायात बाधित होता रहा और लोग माजरा समझने के लिए रुक रुक कर देखते रहे। महिला के मुंह पर छींटे देकर होश में लाने की कोशिश की गई और थोड़ी देर बाद वह होश में आ भी गई, लेकिन उस पर नशा इस कदर सवार था कि वह कुछ बता नहीं पाई। हालांकि पवासा थाने में यह मामला रिपोर्ट नहीं किया गया। तीन दिन पहले मंडल अभिभाषक संघ में अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी को हटाने का फैसला बदल दिया गया है। अब त्रिवेदी ही बतौर अध्यक्ष काम करते रहेंगे, अन्य पदाधिकारी भी पूर्ववत ही रहेंगे। मंडल अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष नितिन जोशी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पत्र जारी किया है। तीन दिन पहले मंडल अभिभाषक संघ की बैठक में अध्यक्ष रविंद्र त्रिवेदी के खिलाफ 13 सदस्य एवं पदाधिकारियों ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया था। उपाध्यक्ष नितिन जोशी को अध्यक्ष का पदभार भी सौंप दिया था। कायदे से निर्वाचित अध्यक्ष को इस तरह नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में मंडल अभिभाषक संघ ने शुक्रवार को बैठक की और त्रिवेदी को पूर्ववत अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। उपाध्यक्ष नितिन जोशी के हस्ताक्षर से जारी पत्र के मुताबिक कार्य प्रणाली को लेकर असंतोष जाहिर किया गया था। बाद में यह तय किया गया कि लोकतंत्र पद्धति से चुनकर अभिभाषक संघ के सदस्य पूर्ववत काम करते रहेंगे। कपिला गौशाला में गोवंश को बदतर स्थिति में रखा जा रहा है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब विहिप पदाधिकारी ने कपिला गौशाला का मुआयना किया। विहिप पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि कपिला गौशाला में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आए दिन यहाँ से गोवंश की मृत्यु के समाचार मिल रहे थे। गौशाला की व्यवस्था देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के पदाधिकारियों ने गौशाला का निरीक्षण किया। वही पदाधिकारियों को गौशाला में कुछ भी ठीक नहीं मिला। बारिश के कारण पूरी गौशाला में कीचड़ फैला था और साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। गंदगी ज्यादा होने पर वही पदाधिकारी राकेश कटारिया और विभाग गौ रक्षा प्रमुख ने गौशाला की देख रेख करने वालों को फटकार लगाई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के जश्न में शहर डूबा हुआ है। रोजाना ही घर घर तिरंगे अभियान को प्रमोट करने के लिए आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में 32वीं सशस्त्र वाहिनी के जवानों और अफसरों ने फुल ड्रेस में तिरंगा बाइक रैली निकाली। नागजिरी क्षेत्र स्थित 32वीं बटालियन परिसर से निकली रैली ने करीब 2 घंटे में 15 किलोमीटर का सफर तय किया। रैली में SBI, होमगार्ड्स, सेवाधाम, HDFC, जिला पुलिस, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली में सैनिकों की वेशभूषा में जवान शामिल हुए तो बाइक पर पीछे बैठे जवानों ने तिरंगा लहराया। वंदे मातरम, भारत माता की जय जय कार के नारे गूंजते रहे। जय हो मेरी जान तिरंगा है जैसे गीत DJ पर बजते रहे। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है की बोल पर लोग गर्व से भर उठे। रैली 3 बत्ती चौराहा होते हुए फिर से 32वीं बटालियन पहुंची। कमांडेंट सविता सोहाने ने बताया कि तिरंगा रैली का नेतृत्व 32वीं बटालियन ने किया। ये तो 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा है पूरे उज्जैन में, और इसमें विशेष मतलब इसका जो नेतृत्व कर रहा है वो 32वीं बटालियन कर रही है, पर हमारे साथ पूरा SBI, BOI एंड HDFC बैंक भी हैं, सेवाधाम के बच्चे और सेवाधाम के बुजुर्ग भी हैं सुधीर भाई के जो नेतृत्व में चलता है, साथ में होमगार्ड है, PTS है, जिला पुलिस है, फॉरेस्ट है। लगभग कितने वाहनों पे कितने जवानों द्वारा निकाली जा रही है? अनगिनत, कोई गिनती नहीं है, सब देशभक्त हैं, सब मिलते जा रहे हैं। दिल्ली के जिम में वर्कआउट के दौरान ख्यात कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक से बनी गंभीर स्थिति से बचाने के लिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया गया है। पंडित अरविंद नागर यह जाप कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आसन्न मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए मंदिर में महामृत्युंजय जाप किया जाता है। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान ख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन की जिंदगी बचाने के लिए उज्जैन के पुरोहितों ने महामृत्युंजय जाप किया था।
अभी भी प्रमुख शख्सियों के लिए ये जाप किया जाता है। इसी कड़ी में ख्यात कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के लिए ये जाप किया जा रहा है। कवि राहुल शर्मा के अनुरोध पर पंडित अरविंद नागर ये जाप कर रहे हैं, उनके साथ अन्य पंडित भी हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। करीब 6 दिन पहले नागदा में पुलिस गश्ती दल पर हमला करने वाले आरोपी बादल डागर के पिता ने पुलिस पर उनके पुत्र को जबरन कूटने और हाथ पैर तोड़ने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एएसपी ग्रामीण को ज्ञापन दिया गया है। इसमें नागदा की मंडी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 6 अगस्त की रात में बस स्टैंड क्षेत्र में गश्त कर रही मंडी पुलिस की टीम की गाड़ी को स्विफ्ट में सवार 4 युवकों ने टक्कर मारी थी। गश्त टीम ने रात 12 बजे इन युवकों को संदिग्ध हालत में रोका था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए उन्होंने टक्कर मारने के बाद कार चंबल पुल की तरफ भगा ली थी। बाद में यह कार से कूदकर फरार हो गए थे। पकड़े गए आरोपियों में 2 बालिक और 2 नाबालिग थे। इन्हीं में से एक बादल डागर के पिता राजेश डागर ने शुक्रवार को एएसपी ग्रामीण के नाम ज्ञापन दिया और नागदा की मंडी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। राजेश डागर का आरोप है कि बादल डागर उज्जैन में अपनी ननिहाल में रहता है। वह माता पिता से मिलने नागदा आया था। इस दौरान वह दोस्तों के साथ राजस्थानी ढाबे पर गया था। पुलिस ने उसे पकड़ा और इस कदर पीटा कि बादल की 18 जगह हड्डियां टूट गई। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने चोट पहुंचाई है। राजेश डागर ने मारापीटी करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की है। डागर ने यह भी आशंका जताई है कि पुलिस झूठा प्रकरण भी दर्ज कर सकती है। बादल के मामा जितेंद्र धंधोरिया ने बताया, हमसे उज्जैन से मिलकर के नागदा रिटर्न हुआ था रात को करीबन 11:30 बजे। वो 11:30 बजे करीबन पुलिस सायरन उसको पीछे से कहीं चाय वाय पीने के लिए रुके थे, 3-4 दोस्त थे साथ में, वहाँ से चाय पीने के लिए रुके। तो पुलिस सायरन सुनकर उन्होंने क्या रात के 11:30 बजे का टाइम है, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट करके चलता बना वहाँ से। उस बीच में पुलिस वाहन उसके पीछे चला, उसने रिवर्स लिया, पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर लग गई। इस बीच में एकाध कोई भी पुलिस वाले जो भी थे उनको हल्के फुल्के कोई चोट आ गई होगी, लेकिन हमारे भांजे के चक्कर में उसको पुलिस को वाले ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसको बेहतर तरीके से पीटा गया, उसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसको और उसके बाद उसको धमकी दी गई, यदि तूने कहीं भी जीवान खोली तो हम तेरा इनकाउंटर कर देंगे। तो साहब ये आप ये बताइए कि पढ़े लिखे बच्चे के लिए ये चीज़ होती है क्या? बादल डागर है और उसको नागदा रेफर किया था, नागदा से उज्जैन रेफर किया गया, उज्जैन से इंदौर रेफर किया गया हिम्बा हॉस्पिटल में, और बहुत ज्यादा सीरियस हुआ तब जाके निकाला गया। ये उसका फोटो और जेल वार्ड में ये देखिए उसको मिल रहा है ये फोटो। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस को भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी तक मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान में होने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा बल यहां मार्च पास्ट कर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस में परेड होगी और ध्वज वंदन किया जाएगा। इसमें 32वीं बटालियन, जिला पुलिस बल, होमगार्ड्स, एनसीसी की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। दशहरा मैदान में परेड की रिहर्सल जोर शोर से चल रही है। फिलहाल ध्वजारोहण के लिए अतिथि तय नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रभारी मंत्री ही ध्वजारोहण करेंगे। आरआई जयप्रकाश आर्य ने बताया, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त परेड का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 15 अगस्त परेड की रिहर्सल चल रही है। परेड रिहर्सल में लगभग 10 प्लाटून सम्मिलित हैं, जिसमें एसएएफ, जिला पुलिस बल, होमगार्ड और बच्चों के प्लाटून हैं, जिसमें एनसीसी है, नेवल एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट्स है। इस तरह से लगभग 10 प्लाटून इस रिहर्सल में सम्मिलित हैं और सभी रिहर्सल कर रहे हैं और 15 अगस्त की फाइनल रिहर्सल 13 तारीख को होगी। मानसून की अगस्त क्रांति का दौर लगातार जारी है। जुलाई में भिगोने के बाद अगस्त में भी मेघ जमकर मल्हार गा रहे हैं। शहर और उसके आसपास हो रही जोरदार बारिश के चलते नदी नाले और डैम फुल हो चुके हैं। सूरज के लुका छुपी के बीच बूंदों की रिमझिम जारी है, जिसने मौसम में ठंडक घोल दी है। मौसम विभाग ने उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम में अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश के साथ ही शहर में इन दिनों मानसून पूर्ण में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शुक्रवार को भी दिन भर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। इस सीजन में अब तक जिले में 27 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 633 मिलीमीटर यानी 26 इंच बारिश हुई थी। जिले में इस वर्ष सर्वाधिक बारिश नागदा तहसील में 917 मिलीमीटर और सबसे कम माकड़ोन में 566 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में उज्जैन में 19, घटिया में 12, खाचरोद में 1, नागदा में 4, बड़नगर में 7, महितपुर में 11, झाड़ा में 13, तराना में 8 और माकड़ोन तहसील में 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब खबरें दे दनादन। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के एन संघवी का इंदौर में निधन हो गया। वे इंदौर के ख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव संघवी के पिता थे। डॉक्टर संघवी की अंतिम यात्रा माधवनगर स्थित उनके निवास से निकली, इसमें शहर के चिकित्सक शामिल हुए। चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया गया। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 13 अगस्त को सुबह 9 बजे किया जाएगा। सिंहस्थ मेला कार्यालय में संभागायुक्त संदीप यादव और कोठी पैलेस पर कलेक्टर आशीष सिंह ध्वज फहराएंगे। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय पर अपने अपने कार्यालय में झंडा फहराएं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने पर जिले के 8 बदमाशों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। जिला बदर बदमाशों में कमल भाट, चेतन निर्मल, अरविंद उर्फ काला उर्फ सखा, मोहन सिंह राजपूत, नटवर उर्फ नारायण राजपूत, अनमोल गुर्जर, धर्मेंद्र उर्फ जिद्दी दरबार और श्याम सिंह उर्फ शानू चौहान शामिल है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर शनिवार को उज्जैन में भी लोक अदालत होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी ने बताया कि इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत होगी। इसमें जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।